नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मानसून इजलास को ध्यान में रखदिआं सदन में सियासी पार्टियां की नुमाइंदगी करने वाले आगुआं की मीटिंग सद्दी। सरकार ने भलके ऑल पार्टी मीटिंग सद्दी। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला वल्लों भलके सदन च पार्टी आगुआं की मीटिंग बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की एकता ते अखंडता लई अहम योगदान पाने लई सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की शलाघा की। नवी दिल्ली च करवाए गए समागम दौरान अधिकारियों ते जवानों नूं सन्मानित किया। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड के एक्टिव मरीजों की गिनती च लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों को मास्क पाउण, समाजिक दूरी बना के रखने समेत होरना कोविड नियमों की पालना की सलाह दी। यूरोपीय यूनियन के बीमारी रोकू और कंट्रोल केंद्र ने दर्ज हो रहे मामलों में पहली अगस्त तक 5 गुणा तक का वाधा होने का खदशा जताया। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों में सिर्फ घरेलू ही नहीं सगों कौमांतरी चुनौतियों का भी हल करने की समर्था है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि बैंकों ने विजय मालिया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के शेयरों को बेच के 792 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी की। हुण खबरां विस्तार नाल। 19 जुलाई तो शुरू हो रहे संसद के मानसून इजलास तो पहला राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अज राज्यसभा में सियासी पार्टियां की नुमाइंदगी करने वाले आगुआं की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग दौरान नायडू वालों सदन के कामकाज को सुचारू ढंग चलाने के ढंग तरीकों बारे चर्चा किए जाने की संभावना है। सरकार वालों भलके एक ऑल पार्टी मीटिंग भी सदी गई है। मीटिंग दौरान सरकार संसद दोवें सदन च विधानक कामकाज को यकीनी बनाने लई सियासी पार्टियों तो समर्थन मंगेगी। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसे दिन सदन के आगुआ की एक मीटिंग सदी है। संसद का मानसून इजलास इस महीने की 19 तरीक तो शुरू हो रहा 13 अगस्त तो मुकम्मल होगा। इजलास दौरान लोग सभा और राज्यसभा 19 बैठक होनगिया। मानसून इजलास को ध्यान में रखदिया रणनीति निर्धारित करने लिए भलके ही बीजेपी संसदीय पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग भी सदी गई है। केंद्रीय संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी वालों सारिया पार्टियां के आगुओं ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने लई सदा दिता गया है। मीटिंग में सत्ताधारी पार्टी विरोधी पार्टियां तो मानसून इजलास को सुचजे ढंग चलाने लई उन्हां दे सहयोग की मांग करेगा, जबकि विरोधी पार्टियां वख-वख मुद्दों ते सरकार नूं घेरन की तैयारी में जुटिया हुई ने। अजिहा मन्या जा रहा है कि संसद के मानसून इजलास दौरान सरकार 30 बिल लैके आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे संसद मैंबरों को सदन में मौजूद रहने लिए कहा है। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की तैयारियों का जायजा लेंदिया यह यकीनी बनाया कि संसद इजलास दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना की जाए। इजलास में शामिल होने तो पहला संसद मैंबरों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हदायत दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली के विज्ञान भवन च BSF इंडिया के 18वें अलंकरण समागम में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को लगभग इस वेले सम्मानित कर रहे हैं। समागम दौरान उन्हें रुस्तम जी की याद में अपने विचार भी रखे। गृह मंत्री ने देश की एकता और अखंडता लई सीमा सुरक्षा बल वालों दिए गए अहम योगदान की शलाघा भी की। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि देश में COVID-19 के रोजाना पुष्टि वाले मामले च लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नवी दिल्ली च पत्रकारों नाल गलबात करदिआं सेहत मंत्रालय के जॉइंट सकत्तर लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 7 मई को 4,14,000 मामलों नाल सिखर ते पुज्जण तों बाद रोजाना मामले च लगातार गिरावट देखी जा रही है। अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 38,949 मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने दस्सिया कि 4 मई तक देश के 531 जिले अजिहे सन जिथे रोजाना 100 तों वध एक्टिव मामले सामने आ रहे सन। यह गिनती हुण घट के 73 जिलों तक रह गई है। उन्होंने कहा कि 10 मई तक देश में 37 लाख एक्टिव मामले सन जिहड़े हुण 4,30,000 के आसपास रह गए हैं। 12 मई को कोरोना लागत मुक्त होने की दर 82% थी जिहड़ी हुण 97.3% तक पुज गई है। उन्होंने दस्सिया कि कोरोना नमूनिया की जांच ते लगातार ध्यान दिता जा रहा है। मौजूदा समय में COVID-19 के औसतन 18 लाख रोजाना टैसट किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को अपील की कि वह मास्क पाउण, वार वार हाथ धोण, समाजिक दूरी बना के रखण वर्गे उचित व्यवहार की पालना जारी रखण, क्यों जो COVID-19 तो सुरक्षित रखण विच कारगर उपाय।
यूरोपी यूनियन की बीमारियों पर नज़र रखने वाली एजेंसी ने कहा कि कोविड वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी बुलारे ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 1 अगस्त तक नवे मामलों में 5 गुना तक वाधा होने की संभावना है। इस नाल यूरोपी यूनियन में शामिल सारे देशों समेत आइसलैंड और नार्वे सब तो वध प्रभावित होंगे। बीमारू रोको और कंट्रोल केंद्र वालों जारी बयान में कहा गया कि 1 अगस्त तक 1 लाख लोगों मगर 420 व्यक्तियों के वायरस तो प्रभावित होने की संभावना है, जबकि पिछले हफ्ते इन्नी ही आबादी मगर यह अंकड़ा सिर्फ 90 लोगों का सी। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कबायली मामले बारे मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्कूल इनोवेशन अंबेसडर सिखलाई प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका मकसद 50,000 स्कूली अध्यापकों नवीनता उद्यमता डिजाइनिंग उत्पादन विकास और नवी सोच विकसित करने बारे सिखलाई देना है। इस सिखलाई प्रोग्राम की रूपरेखा सिक्ख्या मंत्रालय के नवोन्मेष विंग अध्यापकों के सिखलाई इदारे AICTE वालों तैयार किया गया है। इस सिखलाई सिर्फ ऑनलाइन ढंग नाल दी जाएगी। इस मौके बोलदिया धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अध्यापकों का साड़ी जिंदगी में सब तो वध प्रभाव हुंदा है। उन्होंने जोर दे के कहा कि सूचना तकनोलॉजी दुनिया को नवा रूप दे रही है। भारतीय विद्यार्थियों की समर्था का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि साडे विद्यार्थी ना सिर्फ घरेलू सगों कौमांतरी चुनौतियों का भी हल करने की समर्था रखते हैं। कबायली मामला बारे मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह सिखलाई प्रोग्राम अध्यापकों के विद्यार्थियों की समर्था वधाने लिए एक मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सृजनात्मकता को खंभ देगा और उन्होंने एक अजिहा मंच मुहैया करवाएगा ता जो अपने विचारों नाल दुनिया को कुछ नवा दे सकन। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने दसिया कि बैंकों ने शराब कारोबारी विजय मालिया हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के शेयरों वेच के 792 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। ईडी के एक बुलारे ने दसिया कि इन्होंने व्यापारियों जायदाद वेच के हूँ तक कुल 13,109 करोड़ रुपए तो वध की वसूली की जा चुकी है। ईडी वालों इन्होंने व्यापारियों की जायदाद मनी लॉन्ड्रिंग रोकू एक्ट तहत कुर की गई है। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय मालिया ने बैंकों का तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए तो वाधा कर्जा मोड़ना है, जिस विच मूल राशि और व्याज दोवें शामिल ने। दूजे पास पंजाब नैशनल बैंक धोखाधड़ी मामले हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने बैंक को तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत बस्तीवादी समय दौरान खत्म हो चुके खेतरी संपर्कों को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। ताशकंद में खेतरी संपर्क सम्मेलन में संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि इन संपर्कों का घेरा व्लादिवोस्टोक तो लैके खाड़ी देशों से अगे पूर्वी अफ्रीका तक है। विदेश मंत्री ने कहा कि मध्य एशिया तो यूरेशियन खेत्र संपर्क बनाना अजे भी चुनौती है। विदेश मंत्री ने कहा कि साल 2016 तो ही भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह को चलाने सारे यत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी मदद न मध्य एशियाई देशों तक समुद्र के रस्तियों सुरक्षित अड़िका रहित संपर्क राह मुहैया करवाया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मध्य एशिया के दक्षण एशिया के विचाले संपर्क वधाने ना सिर्फ भौतिक बुनियादी ढांचे की लोड़ है सगों इस जुड़िया होरना सहूलतों का विकास करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि संपर्क बनाना असल में विश्वास वधाने वांग ही है। एक काम कौमांतरी कानूनों के अनुसार ही होना चाहिए है। उन्होंने भी कहा कि देशों की प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता का सत्कार करना कौमांतरी संबंधों लिए सब तो अहम बुनियादी सिद्धांत है। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक आ रहे हैं जो DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक और ट्विटर हैंडल पेज पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चुनवियां खबर एक बार फिर तो राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मानसून इजलास को ध्यान में रखद सदन में सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले आगुओं की मीटिंग सदी। सरकार ने भलके ऑल पार्टी मीटिंग सदी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वालों भलके सदन में पार्टी आगुओं की मीटिंग बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की एकता और अखंडता लिए अहम योगदान पाने सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की शलाघा की। नवी दिल्ली करवाए गए समागम दौरान अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। सरकार ने कहा कि देश में कोविड के एक्टिव मरीजों की गिनती लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों को मास्क पाउण समाजिक दूरी बना के रखण समेत होरना कोविड नियमों की पालना की सलाह दी। यूरोपी यूनियन के बीमारी रोकू और कंट्रोल केंद्र ने दर्ज हो रहे मामलों में 1 अगस्त तक 5 गुणा तक का वाधा होने का खदशा जताया। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों में सिर्फ घरेलू ही नहीं सगों कौमांतरी चुनौतियों का भी हल करने की समर्था है।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 792 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।